हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज़ हर्ष एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होममेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। सेल से हम चेंजेस करके स्विच ऑन ऑफ करते हैं। वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल स्विच। एक्टिविटी 4 में हमें देखना है किस तरीके से इलेक्ट्रिकल स्विच वर्क करवा सकते हैं हम। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन्स। दो ड्राइंग पिन्स आपको यूज़ करने हैं, सेफ्टी पिन आपको यूज़ करना है, टू वायर्स आपके पास होने चाहिए एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल और वुडन बोर्ड। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इन टू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट इन टू द थर्मोकॉल शीट एज सोन इन फिगर 12.8। Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. Free end जो है safety pin का वो उसको easily touch कर सके, उस तरीके से आपको वहाँ पर fit करना है। The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. Now make a circuit by connecting an electrical cell and a bulb with this switch as shown in figure 12.9. Rotate the safety pin so that it's free and touches the other drawing pin. What do you observe now? Move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? Safety pin आप अलग कर देंगे, फिर आपको देखना है वो bulb glow अभी भी कर रहा है या फिर नहीं। The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. In this position, the switch is said to be on. इस position में हम switch को क्या कहेंगे कि ये switch on है। Since the material of the safety pin allows the current to pass, जब material current को pass करेगा through it, the circuit was complete. इसके through circuit क्या हो जाएगा? Complete हो जाएगा, तब जा करके bulb जो है वो glow करेगा। दूसरी जगह पे the bulb did not glow when the safety pin was not in touch. Bulb glow तब नहीं करता जब safety pin touch में रहेगा with the other drawing pin, दूसरे drawing pin के साथ। The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. दो drawing के pins के बीच gap रहेगा, इससे circuit glow नहीं करेगा। In this position में switch क्या होगा? Off हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, दोनों के जो डिफरेंस बिटवीन है वो एग्जाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं। इन ऑल अवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर। कॉटन थ्रेड हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल वायर। डू यू थिंक डेट अ बल्ब विल लाइट अप इन अ सच अ सर्किट? ठीक है, ऐसे सर्किट सिचुएशन में क्या बल्ब लाइट करेगा? एक्टिविटी 5 में हम उसको देख रहे हैं। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। डिस्कनेक्ट करना है आपको स्विच से इलेक्ट्रिक सर्किट से। दिस वुड लीव यू विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर्स। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स क्लोज। दो वायर्स को क्लोज करना है। टू लेट देम टच ईच अदर डज द बल्ब लाइट अप। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। कोई करंट उसमें अलाउ कर रहा है पास करने के लिए या फिर नहीं। ये देखिए इनसाइड है व्यू टॉर्च का, यहाँ पर बल्ब दिया गया है। ठीक है, ये होगा रिफ्लेक्टर जिससे लाइट ऑन पास होती है। प्लास्टिक केसिंग उसके आसपास लगाया गया है। ये स्लाइड स्विच यहाँ पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक सेल्स यहाँ पर दो दिए गए हैं एंड ये पूरा इनसाइड व्यू है किसका? टॉर्च का। ये फिगर देख लो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। दूसरे टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं, लाइक कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है और बताना है कि वो लाइट को, करंट को पास करने में मदद कर पा रही है या नहीं। ठीक है, तो मटेरियल की किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। वो उससे बल्ब ग्लो कर पा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं? तो भाई यस। इरेजर रबर है, रबर से नहीं होगा। प्लास्टिक से होगा कि नहीं होगा वो आपको बताना है। वुड से होगा, ग्लास से होगा, मेटल से होगा, किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा है ये आपको यहाँ पर पता करना रहेगा। व्हाट डू यू फाइंड? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड। दिस मीन्स डेट दिस मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। ऑन द अदर एंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटेरियल्स अलाउ कर दें इलेक्ट्रिक करंट को ताकि वो उसमें से इजिली पास हो, विच इज इंडक्टेड बाई अ ग्लोइंग बल्ब। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए, उसको कहा जाता है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कर रहा है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। उसमें से इंसुलेटर में से पास ऑन नहीं होता, यानी जिसमें से पास नहीं हो रहा है वो इंसुलेटर होगा, जिसमें से पास होगा वो कंडक्टर होगा। अब आपको कुछ यहाँ पे कंडक्टर्स के नाम लिखने हैं, कुछ इंसुलेटर्स के नाम रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में और वो आपको इजिली यहाँ पर लिख देना है। व्हाट डू यू कंक्लूड? विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर्स, ये आपको इजिली पता करना है, जिससे आपको इजिली ये भी पता चलेगा कि किससे लाइट ऑन पास हो रहा है किससे नहीं पास हो रहा है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ऑन द अदर एंड रबर एंड प्लास्टिक्स आर मेड
यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स, दोनों ही हिस्सों को मिल जोल करके अच्छे से पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी का वे तैयार होता है, पाथ तैयार होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे आपने देखे होंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिया है, बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच, टर्मिनल, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में वन टाइम के लिए लिखना है, विच इज़ योर होमवर्क ऑफ दिस वीडियो। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।